Hello there, pretty ladies. What's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to create this particular makeup look with all of you guys. Actually, this is a kind of makeup look which you can wear even in a party, in any wedding function, in any occasion, and even on a daily basis as like a really natural and neutral kind of makeup look. Like ye ek aisa makeup look hai which I can wear everywhere. This is, I think I can say, my signature makeup look. This can be my signature makeup look, signature nude makeup look, because जब भी मुझे nude makeup करना होता है, I just go for this look. मैं और कोई makeup look नहीं करती, because this really suits my face so much and I really like this makeup on my face. So that is what I'm going to share with you guys today. So before going into the video, if you have not subscribed this channel yet and you are new to this channel, please subscribe my channel. Please hit the notification button so that you guys are the first one to get notified whenever I upload any of the new video. Give this video a like, share with your friends, do let me know in the comment section box कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी वो भी आप बता सकते हो. So do follow me on Instagram as well. I will be providing my Insta handle in the description and on the screen as well. So without wasting further time, let's get rolling. I have already done my skincare, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ primer, जिसके लिए मैं ले रही हूँ Lakme Absolute का Blur Perfect Primer. ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा primer है and मैं इसको apply करने वाली हूँ उन areas पे जहाँ पे मुझे basically ना pores की problem ज़्यादा होती है, which is my T-zone area and हल्का सा अपनी cheeks पर भी. मैं इसको apply कर लूँगी. So basically एक tinted primer है जो बहुत ही हल्का सा lightening effect भी provide कर देता है आपके face को. White cast नहीं provide करेगा, सिर्फ हल्का सा ब्राइट इफेक्ट दे देता है आपके फेस को. सो मैं इसको अच्छे से जो है अप्लाई कर लूंगी अपने पूरे फेस पे एंड ऑल्सो ऑन माई नेक, बिकॉज वहां पे भी अपने जो है प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है. नेक्स्ट आई वुड बी टेकिंग मेकअप रेवोल्यूशन कंसील प्लस करेक्ट पैलेट. इसमें से मैं अपने एग्जैक्ट स्किन टोन से मैचिंग शेड लेकर अप्लाई कर लूंगी. मुझे बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस पैलेट वर्क्स क्वाइट गुड फॉर मी, क्योंकि इस पैलेट की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हल्की सी डिस्कलरेशन हर किसी को होती है अपने आईज में, अंडर आईज में. सो दिस पैलेट वर्क्स लाइक रियली गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे इतना कवरेज भी नहीं चाहिए होता किसी भी प्रोडक्ट का. मुझे कम कवरेज वाले प्रोडक्ट्स भी जो है मेरे लिए काम कर जाते हैं. एंड एज यू कैन सी, मुझे चीक्स पर पिंपल मार्क्स थे, उसको ये कंप्लीटली हाइड नहीं कर रहा है, बट मुझे जितनी एक कवरेज एक्सपेक्टेड चाहिए होती है एक प्रोडक्ट से, मुझे उतनी मिल रही है एंड इससे ज्यादा कवरेज की मुझे नीड भी नहीं होती है. तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे, बिकॉज नेक पे प्रोडक्ट अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यू कैन लिटरली सी, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैचिंग शेड है. नेक्स्ट आई वुड बी टेकिंग NYBA कॉन्टोर स्टिक एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है टॉफी. मैं पूरे फेस को कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी नोज़ को एंड चीक्स को, बिकॉज आई हैव लाइक अ रियली फैटी नोज, सो मुझे अपनी नोज़ को कॉन्टोर करना पड़ जाता है. सो मैं बहुत ही कम कॉन्टोर करूँगी अपनी चीक बोन्स को एंड विद द हेल्प ऑफ सेम पैक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूंगी. इट्स अ रियली अमेजिंग ब्लेंडर, बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है, छोटे साइज का है, सो ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. देन मैं अपनी नोज कॉन्टोर को भी अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी ताकि हम उस फैटी नोज को थोड़ा सा चिजल्ड अप कर पाएं. सो वंस आई एम डन ब्लेंडिंग माई नोज कॉन्टोरिंग आउट, हम जो है सेट करने वाले हैं अपने फेस को विद द हेल्प ऑफ द सेम Maybelline Fit Me कॉम्पैक्ट विच इज़ इन माई हैंड राइट नाउ. सो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना सेम मिनी ब्यूटी ब्लेंडर. मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन कि जब भी मैं कोई पाउडर ब्रश यूज़ करती हूँ, द फेस लुक्स लाइक क्वाइट पाउडरी. दिस इज़ कम्प्लीटली माई एजम्पशन, मुझे ऐसा लगता है. सो मैं इसलिए ब्लेंडर्स यूज़ करती हूँ बिकॉज जो पाउडर्स हैं वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं आपकी स्किन में एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आपका फेस, बिल्कुल भी ज़्यादा पाउडरी नहीं लगता. इफ़ यू वॉन्ट, आप सिर्फ अपने टी जोन एरिया को एक ब्लेंडर की हेल्प से सेट करने के बाद अपने रेस्ट ऑफ द फेस को आप एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सेट कर सकते हो. दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ये हमेशा आपकी चॉइस होती है. सो मैं अपने फेस को अच्छे से कर लूँगी सेट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर.
And as you can see, my base is like not completely full coverage, but on my face, it's looking okay. Next up, I'm using this Wet n Wild blush. It is in, I think, Coral. मैं आपको जो है description में provide कर दूँगी. Because I have a fair skin tone, मुझे अपनी skin पे peach shade ज़्यादा अच्छा लगता है rather than pink. And because this is my signature look, आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं अपनी pictures में यही look जो है create करती हूँ. I love applying a peach blush on my cheeks, my chin and my nose. सेम ब्लश को मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी पूरी आईलेट पे. मैं यहाँ पे कोई भी क्रीज कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइक अ क्विक मेकअप लुक जो आप जल्दी कर सकते हो एंड जो आप डेली वेयर में भी वेयर कर सकते हो. सो मैं इसको सिर्फ एक सिंगल ब्रश की हेल्प से पूरी आईलेट्स पर अप्लाई कर लूँगी एंड ऑल्सो ऑन माई लोअर लैश लाइन. बिकॉज जब आप अपनी लोअर लैश लाइन पे कोई कलर अप्लाई करते हो, दैट लुक्स रियली गुड एंड आपकी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाती है. आपकी लोअर लैश लाइन बिल्कुल एम्प्टी नहीं लगती है. सो ये करने के बाद मैं लेने वाली हूँ एक ब्राउन और एक ब्लैक शेड एंड इनको मिक्स करने के बाद एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपनी लैश लाइन के बिल्कुल क्लोजली मैं थोड़ा सा स्मज आउट कर लूँगी. मैं आई लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, द रीज़न बींग बिकॉज जब आप इस टाइप से कोई आई शेडो यूज़ करते हो, दैट गिव्स यू a much more softer look than using an eyeliner. इसलिए मैं हमेशा try करती हूँ कि मैं eye shadow use करूँ और उसको बिल्कुल हल्का सा अपनी lashes के ऊपर जो है उसको blend out कर दूँ. So once we are done with that, I am going to apply a white kajal in my lower lash line. Guys, you know I am not a fan of applying kajal at all. Like मैं बिल्कुल भी kajal apply नहीं करती हूँ, but right now मैं obsessed हूँ white kajal से. I am in love with applying white kajals in my waterline. So once I am done applying white kajal, I would simply curl off my lashes so that my lashes can reach up to heaven. Okay, so we would like really nicely curl our lashes. Lashes को अच्छे से हम कर लेंगे curl and then मैं apply कर लूँगी mascara. So for the mascara, I am gonna use this Maybelline Colossal Mascara. ये एक बहुत ही अच्छा mascara है. If you already have length in your lashes, तो एक coat में ही आपको बहुत अच्छा जो है product application करके देता है. As you can see, अभी तक मैं सिर्फ first coat ही apply करती हूँ. I take quite a time to apply my mascara. So मैं इसको अच्छे से अपनी लैशेज में जो है अप्लाई कर लूंगी एंड यू कैन लिटरली सी जस्ट एक कोट में मेरी लैशेज कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है. वी ऑल नीड सम ग्लो ऑन आर फेस. तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे Maybelline मास्टर क्रोम हाईलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्रश, मैं अपनी फिंगर का यूज़ करने वाली हूँ अपनी चीक बोन्स पर, जिससे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी. इससे ऐसा लगता है कि आपका यू नो एक विद इन काइंड ऑफ ग्लो मिल रहा है आपके फेस पे एंड यू कैन सी द हाईलाइटर इज लुकिंग लाइक सो बॉम. बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, बिल्कुल सटल एंड नेचुरल है. सेम तरीके से मैं अपनी चिन पे अपनी क्यूपिस बो एंड अपनी नोज एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड मैं इसको अप्लाई करने के बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको कर लूंगी मैं ब्लेंड आउट. सो वंस वी आर डन विद द हाईलाइटर, मैं आईब्राउज अपनी फिल नहीं करती हूँ बिकॉज ये एक नेचुरल लुक है तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ. मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे फेसेस कैनेडा अल टाइम प्रो मैट लिप क्रियॉन इन द शेड कैशमी 23. सो मैं इसको सिर्फ टैप कर रही हूँ, मैं इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ लाइक अ रियली हाईली पिगमेंटेड लिप क्रियॉन. सो मैं इसको सिर्फ टैप कर रही हूँ. इट्स लाइक अ पीची ब्राउन शेड एंड देन उसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन एलिगेंस मैट इन द शेड नंबर 011. ये इससे सिर्फ एक शेड लाइटर है इसलिए मैं सिर्फ अपने यू नो मिडल लिप्स पे इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड आउट सो दैट मुझे एक बहुत ही ज़्यादा लाइट ऑम्ब्रे इफेक्ट मिल जाए एंड वी आर डन. सो देयर इज़ द फाइनल लुक. That's it for today's video, guys. I hope जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. And if you guys liked this makeup look, so please give this video a like, share with your friends. मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको ये makeup look कैसा लगा. And अगर video अच्छी लगे तो एक subscribe तो बनता है. So please subscribe my channel. Notification button को भी जरूर hit कर देना. Follow me on Instagram. I would be providing the link in the description and Insta handle on the screen as well. So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.